पीडीएम की आवाम को लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत। हुकूमत को मुस्ताफी होने की 13 जनवरी तक की डेडलाइन। मौलाना फजलुर रहमान कहती हैं लॉन्ग मार्च का ऐलान यकुम फरवरी को होगा, तब तक हुकूमत के मुस्ताफी होने का इंतजार करें। 31 दिसंबर तक अरकान असेंबली अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन को पेश करें। पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद सरबराह जेयूआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस रश में तो मुझे पता नहीं चल गया उन्होंने क्या कहा, उस रश में तो मुझे पता नहीं चल गया उन्होंने क्या कहा। हमें गिला है हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ। लाहौर यूनियन भी दिया अंग्रेजों का, लाहौर यूनियन भी दिया अंग्रेजों का। उस रश में तो मुझे पता नहीं चल गया उन्होंने क्या कहा। आप पढ़े लिखे आदमी है, खुद तारीख को मुताला कर ले, पता चल जाएगा। लाहौरियों के बारे में महमूद अचकज़ई के अल्फाज। मौलाना फजलुर रहमान सहाफी के सवाल पर बात गोल कर गए, कहा जलसे में ज्यादा शोर की वजह से महमूद अचकज़ई का खिताब नहीं सुना। मरियम नवाज ने लाहौर जलसे को कामयाब तरीन करार दे दिया, कहती हैं शायद लाहौर की तारीख में ऐसा कामयाब जलसा नहीं होगा। हजारों लोग काफिलों में थे, जलसागाह छोटी पड़ गई। नून लीग के तमाम एमएनएज और एमपीएज मुश्किलात से गुजर रहे हैं।